मीडिया हमसे मत पूछे हम क्या चाहते हैं, मीडिया क्या चाहती है, ये मोदी से पूछे कि मोदी क्या चाहता है। हम ये हमारा देश है, ये हमारा देश है, हमसे नागरिकता को कोई प्रूफ मत मांगे, हम कोई प्रूफ नहीं देंगे क्योंकि ये हमारा देश है, हम यही पैदा हुए यही मरेंगे, हम कोई प्रूफ नहीं देंगे। एक महीना हो रहा है, आज तक कोई औरत अपनी जगह से नहीं हिली है। मैं वहाँ हर रोज जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि बच्चे और बूढ़े और 90 साल की औरत, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं सिर्फ 70 साल की हूँ और मैं ही जा रही हूँ, पता चला मुझसे भी ज़्यादा बड़ी बड़ी औरतें जा रही हैं, इतनी हिम्मत वो स्थल पे। तो क्या लोगों की आँखों में यानी गवर्नमेंट के कानों में आवाज़ नहीं जा रही है? जा रही है, डर रहे हैं, इसलिए आज उन्होंने ये काम किया कि नोटिस क्यों जारी किया, इसलिए कि उनको अपनी तसल्ली चाहिए। वो समझ रहे हैं कि हम जो कुछ करना चाहते हैं कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। देखिए कभी ये पब्लिक नहीं उठी थी, अब पब्लिक उठी है तो औरतें उठी हैं। आप लोग और हम लोग भी कहते थे कि औरतें नहीं उठती, औरतें घरों से नहीं निकलती, अब देखिए सिर्फ और सिर्फ औरतें ही कर रही हैं। ये भी आंदोलन पूरा औरतों का है। कहीं आप जाइए, अलीगढ़ जाइए, JNU जाइए, कहीं जामिया जाइए, सबसे पहले लड़कियों ने उठाया, लड़कियों की एक लड़की की हिम्मत, एक उंगली की हिम्मत, देखिए कहाँ तक पहुँचे हम लोग। एक उंगली ने दिखा दिया और एक बच्ची का, उसकी उंगली आज भी मशहूर है, वो बच्ची अल्लाह उसको रखे। हम तो उसके लिए कहते हैं, हम चाहते हैं कि वो लड़कियां जैसे हमारी यहाँ लड़कियां हैं अब सब हिम्मत वाली हो गई हैं। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।